तो यहाँ पर इंतजार की घड़ी हुई खत्म। स्वागत है आप सबका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर चैंपियंस टू होस्ट इन 2022। डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे होस्ट करेगी वर्ल्ड कप को और बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको स्टार प्लेयर्स फिर से आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरह से ग्रुप बने हुए आप देख सकते हो। पहले क्वालिफायर होंगे यहाँ पर, तो क्वालिफायर्स के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर चार चार टीम है। हर एक टीम एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी, तो टोटल एक टीम तीन मैचेस यहाँ पे खेलेगी। और जो टीम यहाँ पर टॉप टू के अंदर जाती है ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप बी के अंदर जो टॉप टू टीम्स रहेंगी वो यहाँ पे रेगुलर जो यहाँ पे ग्रुप होंगे ग्रुप वन और ग्रुप टू के अंदर चली जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से, यहाँ पर आठ टीमों से चार टीम क्वालिफाई करती है। तो देखने लायक ये आईसीसी मेंस टी20 का क्वालिफायर रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला मैच है यहाँ पर श्रीलंका बनाम नामीबिया के बीच में। वेन्यू रहेगा कार्डिनिया पार्क जिलोंग, विक्टोरिया के अंदर एक ग्राउंड है। मैच टाइमिंग सुबह के 9:30 बजे। और वही कहूँगा आपको टेलीग्राम से जुड़ जाओ, उसका फ़ायदा क्या है। लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अपडेट देना ईजी होता है। तो जुड़ जाना, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट टी20 का मैच इसी साल 11 जनवरी को खेला गया था। मैच था मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में, जो बिग बैश लीग का मैच था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और इस साल इस वेन्यू के ऊपर 2022 के अंदर तीन मैचेस हुए थे, तो तीन मैचेस के अंदर प्रति ओवर रन पर ओवर बने थे 7.7। तो कह सकते हैं ठीक ठाक वेन्यू, यहाँ पे 150 के आसपास यहाँ पे स्कोर बनता है। अब देखो जो यहाँ पे कुछ मैचेस हुए ना, उसके अंदर पहली पारी के अंदर यहाँ पे किस तरह से स्कोरिंग पैटर्न बनता है उसको अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करता है। तो पहली पारी के अंदर जो लास्ट मैच हुआ था 11 जनवरी को इसी साल, बिग बैश लीग का मैच था मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स का। उस मैच के अंदर यहाँ पे 150 बना था 6 विकेट गवा के, उससे पहले 196 बना था 3 विकेट गवा के, 128 बना 6 विकेट गवा के, 175 बना 8 विकेट गवा के। तो आप क्लियरली समझ सकते हो यहाँ पर 160 के आसपास तो स्कोर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन दफ़ा 150 के ऊपर स्कोर गया है। देखो 150, 196, 175, फिर 128 एक मैच में बना था। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे अच्छे स्कोर बनते हैं और मेरे हिसाब से बढ़िया पिच यहाँ पे रहेगी, फ्रेश पिच रहेगी, तो रन बनेंगे यहाँ पर। और मेरे पास कुछ फोटोज और पिच के आपको दिखाना चाहूँगा, इससे आपको और नॉलेज मिलेगी कि बाउंड्री डायमेंशंस क्या है, पिच कैसी दिखती है, स्टेडियम कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पिच है, इस पिच के ऊपर हल्की हल्की ग्रास की लहर भी होती है, दूर से दिखती है। आप देख सकते हो यहाँ पर पिच को, और बहुत ही बढ़िया पिच है, रन बनते हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग के तीन चार ओवर बॉल स्विंग भी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर गति होती है और बाउंस होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी वेन्यू देख लो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि आपको पिच के अंदर पेस एंड बाउंस देखने को मिलेगा। जानी इसलिए जाती है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस। ये देखो आप इस तरह से पिच दिखती है, ऊपर से ऐसे देखते हैं तो ग्रास नहीं दिखती है, जूम करते हैं ना तो आप देखो ग्रास दिखेगी आपको। बहुत बढ़िया पिच है, ग्रास भी रहती है, स्विंग देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग ओवर्स के अंदर इनके पास गति है, वो लोग यहाँ पे मचाने वाले हैं धमाल। सीधी बात है, ठीक है, गति से जो डालेगा उसको और यहाँ पे बोलते हैं ना, और परस्यू मिलेगा, एक्स्ट्रा बाउंस और एक्स्ट्रा पेस मिलेगी इस पिच पे। ठीक है, तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो, बहुत हार्ड सर्फेस है, रन बनते हैं, बॉल बहुत अच्छे से बैट के ऊपर आती है। मैं हाईलाइट्स देख के आ रहा हूँ यहाँ पे जब लास्ट मैचेस हुए थे, इवन मैंने जब यहाँ पे लास्ट मैचेस बिग बैश लिखे हुए थे ना वो भी कवर करे थे, तो मेरे को अच्छे से पता है ना इस मैचेस के बारे में, स्वेन्यू पे क्या होता है। अब बाउंड्री डायमेंशंस की बात करते हैं। ये मैंने तभी निकाला था, ये सब ये फोटो दिख रही है ना आपको, जैसे मैं जुगाड़ करके निकालता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने लाइव मैचेस देखे थे, मेरे को पता था वर्ल्ड कप में फोटोज काम आएगी। सामने की बाउंड्री यहाँ पे बहुत लंबी है, मतलब हद से ज़्यादा लंबी है, 84 मीटर है सामने की बाउंड्री। जो स्क्वायर बाउंड्रीज है 60-60 मीटर की होती हैं। तो आप समझ सकते हो बैटर्स कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर में खेलें, और जो गेंदबाज रहेंगे ना वो कोशिश करेंगे हम बैटर्स को सामने खिलाएं वी के अंदर, क्योंकि वी पे बाउंड्री बहुत लंबी यार, 84 मीटर किसे बोलते हैं आप सोचो एक बार, क्लियर करना डिफिकल्ट होता है। स्टेडियम का व्यू देखना है, बहुत ही स्टाइलिश स्टेडियम है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, और अभी मॉडर्न एरा का सबसे स्टाइलिश स्टेडियम इसको कहा जाता है। आप देखो बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, इस तरह से स्टेडियम दिखता है। यहाँ पे AFL के मैचेस भी होते हैं। चलते हैं फिर से स्टैट्स की तरफ। इस स्टेडियम को सिमंस स्टेडियम भी बोलते हैं, GHMA स्टेडियम भी बोलते हैं, इसके तीन चार नाम हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे GMHAB स्टेडियम भी बोलते हैं, और इसको कार्डनिया पार्क भी बोलते हैं, सिमंस स्टेडियम भी बोलते हैं, तो तीन चार नाम है इसके। ठीक है, मेरे को सब याद है यहाँ पे, क्योंकि मैं यही काम करता हूँ दिन रात, आपके लिए स्टैट्स लाता हूँ, चीज़ों को याद रखता हूँ। इस वेन्यू के ऊपर श्रीलंका एक भी मैच नहीं खेली है, नामीबिया भी एक भी मैच नहीं खेली है। अच्छी चीज़ क्या है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में टी20 खेलती है, पर नामीबिया पहली बार आ रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है नामीबिया के लिए। इस वेन्यू पर जो टीम बैट फर्स्ट करी है तीन मैच जीती है, जो टीम चेस करी है चार मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 7 गेम्स। तो यहाँ पे बैट फर्स्ट बैट सेकंड मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इस साल तो ज़्यादातर जो टीम बैट फर्स्ट करी थी वो जीती थी,
इस साल 3 मैच में, उसमें से आई थिंक 2 मैचेस तो जो टीम बैट फर्स्ट करी थी वो जीती थी। लास्ट 7 मैच में पे क्या हुआ है, पेसर्स ने यहाँ पे 54 विकेट निकाला है, पहली पारी के अंदर 22 है, दूसरी पारी के अंदर यहाँ पे 32 है। तो उल्टा दूसरी पारी के अंदर पे पेसर्स ने ज़्यादा विकेट्स निकाले हैं, राइट आर्म पेसर के 40 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर के 14 विकेट है। तो ऐसा मत करना कि पहली पारी के पेसर्स लेके बैठ जाओ, यहाँ पे दूसरी पारी के अंदर चेस करते हुए अंडर प्रेशर विकेट्स गिरते हैं। राइट आर्म पेसर के 22 विकेट्स हैं यहाँ पे लास्ट 7 मैच के अंदर, पहली पारी में 14, दूसरी पारी के अंदर 8 है। ऑफ स्पिनर्स का 8, लेग स्पिनर्स का 10, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 1 विकेट है। बात करते हैं वेदर फोरकास्ट की, बढ़िया वेदर फोरकास्ट यहाँ पर रहेगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। जिलोंग के अंदर कार्डनिया पार्क, लाइट रेन थोड़ी सी यहाँ पर रह सकती है, मैच वहाँ पर 3 बजे स्टार्ट होगा। अपने भारत के अंदर तो सुबह के 9:30 बजेंगे जब ये मैच होगा, वहाँ पे दोपहर के 3 बजे रहेंगे, अपने से 5.5 घंटे आ गए। ये जो विक्टोरिया जगह है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मौसम रहेगा। आई थिंक थोड़ा वेदर क्लियर हो जाना चाहिए शाम को, देखते हैं क्या होता है। और अगला मैच भी यहाँ पे होगा, आपको बताया, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से मैच छोटा हो सकता है, और अगर बारिश हुई तो। यहाँ पे अगला मैच यहाँ पे 1:30 बजे है, यूएई वर्सेस नेदरलैंड्स, इसी वेन्यू के ऊपर मैच नंबर 2 ऑफ आईसीसी वुमेन्स मैंस टी20 वर्ल्ड कप। न्यूज़ की बात करते हैं, दुश्मनता चमेरा वापसी करें श्रीलंका के अंदर, डेविड वीसा नामीबिया के अंदर अवेलेबल है, क्रेग विलियम्स ने यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 1 मैच खेला है और श्रीलंका वो मैच जीती थी, लाजमी बात है। लाइनअप्स की बात करते हैं, श्रीलंका की तरफ से यहाँ पे पत्तुम निशांक ओपन करते हैं, कुशाल मेंडिस के साथ आएंगे धनुष का गुन्नथल्ले का, भानु का राजा पक्षा, दशुन शना का कप्तान, वेनेंद्र सुरंगा, चमिका कुरतने, महेश तिक्षणा, दिलशन मधुशनाखा आएंगे यहाँ पे, मधुशंका आएंगे यहाँ पे, दुश्मनता चमीरा, लहरू कुमारा। पर मेरे को क्या लग रहा है, टीम आई थिंक 5 बॉलर के साथ नहीं उतरेगी, ये 4 बॉलर से लेके आएगी जितना मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे धनंजय डिसिल्वा का मौका बनेगा, क्योंकि वार्म अप मैच में खिलाया गया था, पर मैं चाहता हूँ लहरू कुमारा खेले और चमीरा दोनों साथ में खेले, और दिलशन मधुशंका ये क्या करते हैं, ये भाई साहब नई गेंद को स्विंग कराते हैं। तो 3 बॉलर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे, हसरंगा तो खेलेंगे, तिक्षणा खेलेंगे, तो चमका करते हैं, बैटर खेल सकते हैं, बैट अच्छी कर लेते हैं डेप्थ में। मैं लहरू कुमार और चमेरा को खिलाना चाहता था साथ में, बहुत अच्छा पिच अटैक हो जाएगा इनका, श्रीलंका का स्पिन अटैक तो ही भाई लीजेंडरी, किसका श्रीलंका का। नामीबिया स्टेफन बराड ओपन करेंगे डेवाना लॉक कॉक के साथ, दोनों राइटी बैटर्स हैं, माइकल विलिंगल लेफ्टी बैटर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, गेंदबाजी ना के बराबर करते हैं। गिरेड एरिस्मस जिस टीम के कैप्टन है, हर साल इनको इलाइट प्लेयर का अवार्ड मिलता है, एफिलिएट जो कंट्रीज होती है, आई थिंक वो रहती ना अलग अलग नेशंस होते हैं जो इतने ज़्यादा क्रिकेट खेलते नहीं हैं, तो आईसीसी उनको ज़्यादातर दर्जा नहीं देती, नामीबिया कंट्री सबको, तो क्या करते हैं ये इनका अवार्ड मिलता है, जिसमें ग्रेट एस्टिमेट हमेशा अवार्ड लेके जाते हैं। राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, बहुत ही क्लास प्लेयर है, डेविड वीसा आएंगे, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, सीपीएल खेलते हैं, ये हर लीग खेलते हैं, 100 खेलते हैं, कोई भी लीग हो वहाँ पे चले जाते हैं। जे जे स्मिथ आएंगे, वाइस कैप्टन इस टीम के, राइटी बैटर लेफ्ट आर्म मीडियम पेस गेंदबाज है, जैन फ्रैनलिक लेफ्टी बैटर लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, जेने ग्रीन विकेट कीपर लेफ्टी बैटर है, रूबर्ट ट्रिपलमन लेफ्ट आर्म पेसर है, बर्नर्ड शॉल्ज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, बेन शिकांगो राइट आर्म मीडियम फास्ट है, शिकांगो, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे किसी तरफ प्रैक्टिस मैच की तरफ, प्रैक्टिस मैचेस हुए थे यहाँ पे, तो उसमें क्या हुआ था, तो आप देख सकते हो पत्तुम निशांका ने 21 बनाया था 15 गेंद के अंदर, कुशाल मेंडिस ने यहाँ पे 54 करा था 29 बॉल के अंदर, धनुष का गुन्नथल्ला ने 17 करा था 18 गेंद के अंदर, राजा पक्षा ने 17 करा 16 गेंद के अंदर, दर्शन शनाका ने 16 बनाया था नाबाद 13 गेंदों के अंदर, वरिंदु सुरंगा बहुत अच्छे दिखे थे 14 गेंद के अंदर 37 नाबाद बनाए थे, 2 चौके 2 छक्के शामिल थे उसके अंदर, और इन्होंने विद द बॉल क्या किया था, 4 ओवर में 22 रन दिया विकेटलेस, 22 रन मतलब बहुत अच्छा स्पेल था उनका। वो चमका करत ने 2 विकेट 26 रन देके 3 ओवर के अंदर, महेश तिक्षणा यहाँ पे 2 विकेट था 39 रन देके, दिलशन मधु शंका इनका 0 विकेट था 25 रन देके, 4 ओवर नई गेंद से डाले, दुश्मनता चमीरा 0 विकेट 36 रन देके, लहरू कुमारा नहीं खेले, धनंजय डिसिल्वा ने 17 बनाया था 16 गेंद के अंदर, 2 चौके शामिल थे, 1 ओवर डाला 5 रन दिए 1 विकेट निकाला। नामीबिया की बात करते हैं, स्टेफन बराड प्रैक्टिस मैच नहीं खेले, वहाँ पे डीवन लॉक कॉक ने खेला था 2 रन बनाए थे 7 गेंद के अंदर, और माइकल विलिंगन ने 26 बनाए थे 31 गेंद के अंदर, गिरेड एस्टिमस ने 34 बनाया था 25 गेंदों के अंदर नाबाद, और वीसा ने यहाँ पर 3.5 वो डाला मतलब 23 बॉल डाली 16 रन दिया 2 विकेट निकाला, जे जे स्मिथ ने यहाँ पर 18 रन दिया बैट बनाए 2 ओवर के अंदर 16 रन दिया थोड़े से महंगे साबित हुए थे, जैन फ्रेडरिक ने 2 विकेट निकाला, भाई क्या स्पेल था इसका एमसीजी के ऊपर, प्रैक्टिस मैच इनका एमसीजी पे हुआ था, क्या गेंदबाजी करी थी भाई ने यार, देखने लायक गेंदबाजी थी, क्या लाइन लेते डाली थी, आप प्रैक्टिस की वीडियो जाके देख सकते हो, आप सर्च करना जिसके ऊपर गूगल के ऊपर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी आईसीसी की, आपको उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे आप जाके हाईलाइट्स तक देख सकते हो, वार्म अप मैच का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर मेन्यू के अंदर।
जे फ्रेंडलिक यहाँ पे, रूबल टपलम ने 27 रन दिया, 2 विकेट निकाला था, बर्नार्ड शॉ ने 2 ओवर के अंदर 14 रन दिया, 0 विकेट था, बेन शिकांगो आए विकेट निकाल के चले गए, 2 ओवर डाला, 11 रन दिया, 3 विकेट निकाले, एक थे तेनंगिनी करके नाम था उनका, लुगाम मनी करके, 2 ओवर में 26 रन दिया, विकेट लस गए। चलते हैं आपकी तरफ, जब दोनों टीम सामना सामना करी तो क्या हुआ, हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, प्लस आपको हर प्लेयर का रिसेंट फॉर्म भी बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो श्रीलंका के लिए पत्तुम निसांगा सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर है, कितने रन बनाता है, 5 रन बैट फर्स्ट है, हाल ही के अंदर आई थिंक ये साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी पिक हुआ था, ये दोनों पिक हुए थे, निशांक और कुशाल मेंडिस, जो साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक टी20 लीग होने वाली है तो उसके अंदर पिक हुए हैं भाई, कॉन्फिडेंस इनका वैसे ही बूस्टअप है, 5 रन बैट फर्स्ट है, 29 बैट फर्स्ट की औसत इसके पूरे टी20 करियर में, 6 के ऊपर 23 की औसत है, बैट फर्स्ट में तो कप्तान बना देना सीधा सीना तान के। 2022 के अंदर फॉर्म देखो, 20 मैच 28 के औसत 540 रन, मेरे क्या स्टैट्स है बंदे के। कुशाल मेंडिस हेड टू हेड नहीं खेला है, 16 मैच खेले हैं इस साल, 504 रन है इस साल, ये बहुत तगड़े फॉर्म में, 36 के औसत, लेकिन पत्तुम निशांगा से अच्छे स्टैट्स इसके, बैट फर्स्ट 31 से इसके ऊपर 26 के औसत है। गुन्नत हलेगा इस साल 16 मैच के अंदर 11 के औसत 176 रन, हेड टू हेड नहीं खेला प्यार, ये भी अच्छा है बस रन्स नहीं बन रहे हैं। राजा पक्षा ने हेड टू हेड के अंदर 42 नॉट आउट करा था चेस करते हुए, ओवरऑल टी20 करियर बैट फर्स्ट 22 चेस के ऊपर 27 के औसत है। इस साल का फॉर्म देखते हैं 2022 का, 22 मैच 588 रन 24 के औसत है, इस साल आईपीएल भी खेले थे पंजाब किंग्स के लिए, तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा प्लेयर बन जाता है जो प्लेयर आईपीएल में खेलता है, वहाँ पे जाके इतने अच्छे कोच होते हैं, इतने अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो बोलते हैं ना प्लेयर अपना लेवल खुद बढ़ा लेता है, तो उसने भी अपना लेवल बढ़ाया है। दर्शन शर्मा का एक हेड टू हेड मैच खेला था, उसमें बैट नहीं करा था उन्होंने, बैट फर्स्ट 33 पूरे टी20 करियर में, चेस के ऊपर 24 के औसत है, और 2022 के अंदर फॉर्म 20 मैच के अंदर 477 रन 5 विकेट 32 के औसत है, इस साल बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे हैं ये। वेनंदु असरंगा 2 विकेट है, बॉल फर्स्ट हेड टू हेड के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस था, 2022 के अंदर तो क्या फॉर्म में ये बंदा, 31 मैच 48 विकेट, इस साल आईपीएल में भी ये ऑरेंज कैप की जो लिस्ट थी उसके अंदर भाई साहब पर्पल कैप था, ऑरेंज से बैटर्स का होता है, पर्पल कैप की लिस्ट के अंदर भाई साहब ये टॉप पे शुमार था युजवेंद्र चहल वगैरह के साथ, चहल तो टॉप पे थे, ये उनके आगे पीछे गए। 266 रन विद द बैट है, बैट करता बॉल करता दोनों करता है, प्रैक्टिस मैच के अंदर 30 रन बना कह रहा है 14 गेंद के अंदर असांगा। चमिका करतने का हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट बॉल फर्स्ट है, अच्छा गेंदबाज है, बहुत ही स्किलफुल प्लेयर है ये, कंप्लीट टीम मैन है, टीम के लिए जान लगा देगा लेकिन परफॉर्मेंस देगा ये। इस साल फॉर्म 21 मैच में 15 विकेट 141 रन है। महेश टिक्षिणा 3 विकेट बॉल फर्स्ट है, दर्शन मधुशंका इन्होंने हेड टू हेड नहीं खेला इस साल, फॉर्म देखो 10 मैच में 9 विकेट है। टिक्षिणा का इस साल 27 उसमें 30 विकेट है फॉर्म। चमिरा का हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट बॉल फर्स्ट है फॉर्म, 23 मैच में 19 विकेट, इस साल फॉर्म थोड़ा ऐसा ही रहा। लहरू कुमरा का 2 विकेट बॉल फर्स्ट है, हेड टू हेड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर खेलता था, मेरे को चमिरा से इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहा है लहरू कुमारा, इस साल फॉर्म 5 मैच के अंदर 9 विकेट है, हाल ही के अंदर इंजर्ड हुए थे, एशिया कप भी मिस किया था। धनंजय डिसिलो को आप देख सकते हैं यहाँ पे, हेड टू हेड नहीं खेला इस साल फॉर्म, 6 मैच में 108 रन 3 विकेट है। असल अंकायर इस टीम के वाइस कैप्टन थे एशिया कप के अंदर, लेकिन अब तो उनकी 11 में जगह ही नहीं बन रही है। और स्टार्टिंग और मधुशंका चमीरा तिक्षिणा कुमारा खेलते तो वो डेथ के अंदर चमीरा आएंगे, हसरंगा आएंगे, और यहाँ पे कुमारा है तो चमीका नामीबिया की बात करते हैं, तो स्टेफन बराड ने हेड टू हेड के अंदर 7 रन कराए बैट फर्स्ट करते हुए, और इन्होंने एक हेड टू हेड खेला इस साल फॉर्म, 3 मैच में 72 रन है। डियान वन लॉकॉक ये टी20 के अंदर 3 ही मैच खेले, 89 रन हेड टू हेड कहाँ से खेलेंगे। माइकल वेलिंगर ने टी20 करियर में 10 मैच में 135 रन करे हैं, हेड टू हेड नहीं खेला है। गैरेट एरिस्मस का 20 रन बैट फर्स्ट हेड टू हेड के अंदर, और अच्छा प्लेयर है, इस टीम की कप्तानी करता है, बैट फर्स्ट 19 इसके ऊपर 30 के औसत है, इस साल का फॉर्म 8 मैच के अंदर 51 की औसत है, और 254 रन 6 विकेट है, गेंदबाजी करता है, लेग स्पिनर है। डेविड विसा का 6 रन बैट फर्स्ट हेड टू हेड के अंदर 0 विकेट था। 2022 के अंदर फॉर्म 35 मैच में 33 विकेट है, 500 रन है। जेजे स्मिथ का हेड टू हेड के अंदर 12 रन बैट फर्स्ट था प्लस 1 विकेट था, और इस साल फॉर्म 6 मैच के अंदर 8 विकेट 200 रन है। जेन फ्लेनलिक का इस साल फॉर्म 8 मैच में 7 विकेट 42 रन है, हेड टू हेड के अंदर 2 रन बैट फर्स्ट था। जेने ग्रीन का 8 रन बैट फर्स्ट था। रॉबर्ट टिप्लमैन का हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट बॉल सेकंड है, फॉर्म 9 मैच में 22 विकेट इस साल, लास्ट ईयर 10 मैच में 10 विकेट, इस साल फॉर्म थोड़ा सा बिगड़ा है। बर्नार्ड शॉ का 1 विकेट बॉल सेकंड है हेड टू हेड के अंदर, फॉर्म 8 मैच में 8 विकेट इस साल। बेन शिकांगो हेड टू हेड निकले इस साल, फॉर्म 7 मैच में 6 विकेट है। चलते हैं आपकी तरफ, जैन निकोलो लॉफ्टी एटन भी खेल सकते हैं, हेड टू हेड के अंदर 3 करा हुआ है इस साल, फॉर्म 11 मैच के अंदर 178 रन है। मेरे को प्लेयर बहुत अच्छा लगा, लुहान लोवरेंस करके नाम है इस बंदे का,
बहुत बढ़िया प्लेयर है। T20 में मात्र 19 मैच खेला है, 550 रन है, 32 की औसत है। इनको प्रैक्टिस मैच पता नहीं क्यों नहीं खिलाया गया। इतना बड़ा प्लेयर आपके सामने पड़ा हुआ है भाई, खिलाओ उसको 11 के अंदर, ओपन कराओ, बैट फर्स्ट 43, चेस के ऊपर 26 की औसत, कड़क प्लेयर यार। इस टीम में इतने अच्छे स्टैट्स किसी के नहीं, 19 मैच में 550 रन, स्ट्राइक रेट कितना है 150 के आसपास है। स्टार्टिंग में ट्रिपल वन जेजे स्मिथ और वीसा आएंगे यहाँ पर, जैन फ्रेनलिक डेथ रो के अंदर, वीसा, जैन फ्रेनलिक, जेजे स्मिथ। चलते हैं हमें किसकी तरफ, जॉइन स्टार्ट्स की तरफ। तो इस सनी के ऊपर किसी ने नहीं खेला, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कैसा खेलता है बताता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया के अंदर निशंका ने 5 मैच खेले, पता हूँ निशंका ने 184 रन, ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद करते हैं निशंका। और कुशाल मेंडिस 8 मैच में 133 रन ऑस्ट्रेलिया में, डोना थल्लेका का 6 मैच में 59 रन है, राजपक्षा का 2 मैच में 19 रन है, शनाका का 8 मैच में 134 रन 3 विकेट है, हसरंगा का 4 मैच में 5 विकेट 41 रन है, करतने का 5 मैच में 3 विकेट 23 रन है, थिक्षणा का 5 में 5 विकेट है, मधु शंका यहाँ पे नहीं खेले, और चमीरा का 5 मैच में 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कुमारा का 3 मैच में 5 विकेट है, डी सिल्वा नहीं खेले यहाँ पे। और नामीबिया की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही प्लेयर ने खेला है, वीसा, 1 मैच में 3 विकेट था उसके अंदर। मैचअप्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो पतुम निशंका का मैचअप बर्नर्ड शॉल्ट्स के सामने, 2 गेंद देख रहे हैं, 1 बार आउट किया है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने फंसते हैं, 16 पारियों के अंदर 5 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने, 94 बॉल में मात्र 87 रन है, लेग स्पिन के सामने 10 पारियों में 4 बार आउट हुए हैं। कुशाल मेंडिस वर्सेस लेग स्पिन, अच्छा खासा मैचअप है आप देख सकते हैं यहाँ पर, 22 पारियों में 6 बार आउट हुए हैं, 155 गेंद के अंदर 206 रन है। गुन्नर थल्लिका वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने दिक्कतें दिक्कतें हैं, 13 पारियों में 7 बार आउट हुए हैं, 80 गेंद में 96 रन है, लेग स्पिन के सामने भी दिक्कत है, 7 पारियों में 5 बार आउट हुए हैं। ये पेस को बहुत अच्छा खेलता है गुन्नर थल्लिका, बस स्पिन के सामने अटकता है। राजपक्षा वर्सेस वीसा, 5 गेंद 4 रन 1 बार आउट किया, T10 लीग के अंदर आउट किया था वो, ऑफ स्पिन के सामने फंसते हैं, राजपक्षा 31 पारियों में 12 बार आउट हुए हैं, सामने ऑफ स्पिन आई थिंक कोई है ही नहीं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जरूर है बर्नर्ड शॉल्ट्स। दर्शन शर्मा का लेग स्पिन के सामने दिक्कत है, 31 पारियों में 8 बार आउट हुए हैं, ऑफ स्पिन के सामने 19 पारियों में 7 बार आउट हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हसरंगा वर्सेस लेग स्पिन, 11 पारियों में 6 बार आउट हुए हैं, 59 बॉल में 67 रन है, धनंजय डी सिल्वा का दिया, असलंका को यूएनएफ पे दिया हुआ है। स्टेफन बराड वर्सेस थिक्षणा, 1 बॉल 0 रन 1 बार आउट किया, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने फंसता है, आई थिंक नई गेंद से लेफ्ट आर्म पेसर आपको दिलशन मधु शनाका दिखेंगे, उन्होंने 13 पारियों में 5 बार आउट किया हुआ है लेफ्ट आर्म पेसर्स ने स्टेफन बराड को, 68 बॉल में 60 रन देंगे। माइकल विलिंगे का स्ट्रगल नहीं है, ग्रेडरसमस वर्सेस लहर कुमारा, 6 गेंद 2 रन 1 बार आउट किया है, किसी पर्टिकुलर बॉलर के सामने एरसमस का स्ट्रगल नहीं है। वीसा वर्सेज करतने, 2 गेंद 2 रन 1 बार आउट किया है, वीसा वर्सेज ऑफ स्पिन, 109 गेंद 111 रन 38 पारियों के अंदर 11 बार आउट हुए हैं वीसा, ऑफ स्पिन के सामने दिक्कत है, सामने वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर मस्टिक्षिणा, जान फ्रेनलिक का स्ट्रगल थिक्षणा के सामने, ऑफ स्पिन के सामने 6 पारियों में 3 बार आउट हुआ। कौन कैप्टन, नसरंगा, पतम निशंका, बड़ी लीग में बनाओ यहाँ पे महेश थिक्षणा, ठीक है, वनंद सुरंगा, निशंका, वीसा, अलग जाना है। जैन फ्रेनलिक अच्छे फॉर्म में दिखे थे अभी इसके अंदर वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में, चमीरा कुमारा को रोटेट कर सकते हो, कुमारा नहीं खेलते तो वहाँ पर कुशाल मेंडिस का नाम आप ऐड कर सकते हो। ड्रीमलैंड टीम की बात करते हैं यहाँ पर कैप्टन है वेनुंदो सुरंगा, वाइस कैप्टन डेविड वीसा, सब जानते हैं दोनों प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं नामीबिया के हैं, जेजे स्मिथ प्रॉपर ऑलराउंडर है, ग्रेट एरिस्मस टीम के कैप्टन है, ये बहुत अच्छा खेलते हैं, डेविड वीसा सबसे इंपॉर्टेंट है, जैन फ्रेनलिक इंपॉर्टेंट है। इसने क्या स्पेल डाला था MCG पे, बहुत अच्छा स्पेल था आयरलैंड के खिलाफ इनका जो प्रैक्टिस मैच हुआ था, ये मेरे हिसाब से कुशाल मेंडिस इंपॉर्टेंट, निशांका इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ से चमका करतने पे डिपेंड करेगा कि इनको अपन आखिरी में ले या ना ले। यहाँ पे चमीरा है, थिक्षणा है, लहर कुमारा नहीं खेलते हैं तो यहाँ पे आप मधु शनाका को ले सकते हो, अच्छे गेंदबाज है, क्वालिटी पेसर है, विकेट टू विकेट डालते हैं, और मेरे को नामीबिया का टॉप ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है तो नई गेंद से विकेट्स निकालेंगे, ये भाई साहब दिख रहा है आपको, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कहाँ गए अपने मधु शनाका, और उनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, 11 के आसपास है। प्लेयर आपका गेम चेंजिंग प्लेयर हो सकता है, ये वही प्लेयर है जिसने एशिया कप में विराट कोहली को आउट किया था बोल्ड, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इस मैच के अंदर। मैं शायद इनको प्रीफर करूंगा मधु शनाका को, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस है और वहाँ पे जिलोंग में मैच है, वहाँ पे यार गति से बॉल डालते हैं तो मूवमेंट मिलता है हल्का सा। कुशाल मेंडिस इंपॉर्टेंट है, मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नीचे नहीं लग रहा है यहाँ पे, एक ये प्लेयर अच्छा खेलता है तो आप एक दो टीम में रोटेट कर सकते हो, इसका नाम है लोअरेंस करके नाम है इसका, लोहान, अच्छा कीपर बैटर है, इसने अच्छे रन बनाए हैं पास्ट के अंदर। निशंका इंपॉर्टेंट, क्रिसमस इंपॉर्टेंट, राजपक्षा बैट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट रहेंगे, चेस पे शायद बैट करने का मौका ना मिले, नीचे खेलते हैं। जेजे स्मिथ इंपॉर्टेंट है, असालंका देखते हैं, इनको मौका देना चाहिए, इनको एशिया कप में वाइस कैप्टन बनाया था और वार्म अप मैच नहीं खिलाया गया, होना थलेगा, थोड़े से रिस्की है, प्लेयर अच्छा है, टेक्निकल साउंड बेटर है,
यहाँ पे माइकल मिलिंगन अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं, एक दो टीम में आप चाहे तो रोटेट कर सकते हो, स्टेफन ब्रॉड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास। चलते हैं यहाँ पे वेनन दोसंग इंपॉर्टेंट है, विसा इंपॉर्टेंट, जैन फिलिंग इंपॉर्टेंट है, डी सिल्वा को रोटेट कर सकते हो खेलते तो वन डाउन। और यहाँ पे अगर चार बॉलर खेलते हैं रेगुलर और चेमगो करतने और डी सिल्वा फिफ्थ बॉलर बनते हैं ना, तो आप चेमगो करतने को ले सकते हो बॉल फर्स्ट में, डेथर में आ जाते हैं ये। और मैं क्या बोला आपसे कि चेमगो करतने को बॉल फर्स्ट में ले सकते हो, बॉल सेकंड में आप दूसरे प्लेयर्स को प्रीफर कर सकते हो बैटर्स को जो है श्रीलंका से, क्योंकि वो इनके बराबर पॉइंट देके जा सकते हैं, इसलिए अगर विकेट निकाल देते ना चमिका तो भी पॉइंट दे जाएंगे उनके बराबर। अगर आप किसी और राजपक्ष को लेते हो या फिर डी सिल्वा को लेते हो, बैट करेंगे ना टॉप ऑर्डर में, श्रीलंका बैट करते हो तो आप इनको प्रीफर कर सकते हो, डी सिल्वा और राजपक्ष को। थिक्षिणा इंपॉर्टेंट है, चमेरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शॉल्स थोड़े से रिस्की बॉल सेकंड के अंदर, ट्रिपलमन नई गेंद से स्विंगर आते हैं विकेट्स निकालते हैं, रिसेंट फॉर्म का थोड़ा सा खराब रहा है, वैसे गेंदबाज अच्छा है, मधुशना का इंपॉर्टेंट रहेंगे, लहरू कुमारा खेलते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मेरे को चमेरा से इंपॉर्टेंट लग रहा है लहरू कुमारा, ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर देखते रहो, स्टार्ट दीजिए लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, सी सून, लव यू गाइस, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन।